पार्टनर फ़ोन ना करे तो तुरंत करे ये तीन काम। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को सुन रहे कई लोगों के रिश्ते में ये प्रॉब्लम होगा कि सामने वाला कई बार फ़ोन नहीं करता, जिसकी वजह से हम भी नाराज़ हो जाते हैं। उसका सीधा असर हमारी एनर्जी पे पड़ता है। लेकिन मैं आपको कुछ तीन ऐसे काम देने वाला हूँ, अगर आप करते हैं तो सामने वाला सामने से फ़ोन भी करेगा, दिन रात आपको मैसेज भी भेजेगा और दिन रात आपके साथ बात करने के लिए उत्सुक रहेगा। अब ऐसे तो कौन से काम हो सकते हैं? वो काम आपको हो सकता है पता भी हो लेकिन आप करते ना हो, क्योंकि आपको लग रहा है वो छोटे काम है। उसमें क्या है, कुछ बड़ा करना होता है रिश्ते को बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ रिश्ते को बड़ा बनाती हैं। और ये चीज़ जितना जल्द अगर आप समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहला काम है, पार्टनर फ़ोन ना करे तो आपको भी कुछ टाइम के लिए फ़ोन नहीं करना है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हम तो प्यार में सामने वाले को नाखुश नहीं देख सकते, सामने वाला फ़ोन ना करे तो हम उतने फ़ोन कर देते, वो रिसीव भी नहीं कर रहे, वो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, फिर भी हम फ़ोन पे फ़ोन मैसेज पे मैसेज लगातार दिए जा रहे, किए जा रहे। इससे होता क्या है, सामने वाला समझ जाता है कि इनको ही मेरी ज़रूरत है, तो कुछ दिन के लिए मैं मज़े लेती हूँ या लेता हूँ, ऐसा एटीट्यूड सामने वाले का बनता जाता है। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर हर रोज़ आप फ़ोन पे बात करें, दो दिन आपको फ़ोन आया ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दो दिन ही रह पाएंगे अगर वो सच्चा प्यार करते हैं। तो फिर आपको भी एक दिन दो दिन सामने से फ़ोन करना ही नहीं है। अगर आप ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं, ये एटीट्यूड आवश्यक है। यहाँ पे आप भी दिखा रहे कि अगर फ़ोन आप नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ टाइम के लिए नहीं करूँगा वहाँ पे। लेकिन गलती सामने वाले की होनी चाहिए। अगर वो रूठे हैं तो, अगर आपकी वजह से रूठे हैं तो आपको दो तीन बार सॉरी भी कहना है, और उसके बाद भी वो फ़ोन नहीं कर रहे तो आपको फ़ोन करना ही नहीं। तो फ़ोन न करना अच्छा एक काम साबित हो सकता है, तो ये आपको करना है। दूसरा है, छोटा सरप्राइज देना है। अगर पार्टनर फ़ोन ना करे और वहाँ पे आपको पता है कि आपकी गलती की वजह से ही वो रूठ गए और फ़ोन नहीं करे, तो आपको कुछ सरप्राइज़ देना है। वो चाहे मैसेज के थ्रू हो, वीडियो कॉल के थ्रू हो, या उनके घर कुछ छोटा गिफ्ट भेज कर ही क्यों ना हो। सरप्राइज़ देने से वो फिर से एक अलग एनर्जी में आ जाएंगे, हो सकता है रूठ जाए लेकिन वो फिर से मान जाएंगे। तो ये दूसरा काम आपको करना है। आखिरी और तीसरा काम है, अगर उनकी गलती की वजह से वो फ़ोन नहीं करें तो आपको अपनी लाइफ में आप बहुत ही खुश है ये दिखाना है। कुल मिला के आपको ये दिखाना है कि आप अपनी लाइफ में भी बहुत ही खुश है, अकेले भी खुश रह सकते हैं। ऐसा इन लोगों को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, जो लोग खुद की गलती हो फिर भी सामने से रुक जाते हैं और एटीट्यूड दिखाते हैं, तो उनको ये दिखाना होता है कि हम भी हमारी लाइफ में अकेले बहुत ही खुश हैं। आप आए हैं तो आपके साथ रह लेंगे ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हम अकेले की लाइफ में बहुत ही अच्छे हैं। यानी कि आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप स्टेटस, यहाँ पे आप जिम जा रहे हैं, सुबह दौड़ने जा रहे हैं, अच्छे से पंछियों को दाना खिला रहे हैं, या तो फिर लोगों के साथ बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, तो इसका स्टेटस रखना है आपको। इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि मैं फ़ोन नहीं करूँगी या नहीं करूँगा फिर भी वो तो खुशी है, तो उनका एटीट्यूड अपने आप कम हो जाएगा और हो सकता है वो सामने से फ़ोन या मैसेज आपको कर दें। तो ये तीन काम है जिससे पार्टनर फ़ोन नहीं करा तो आपको करना चाहिए और वो करेंगे फ़ोन। ये तीन काम के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन से काम आजमाते हैं जब पार्टनर फ़ोन नहीं करता तब। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GFBF राजा मजनू लैला, जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।